morning. अगली गुड मॉर्निंग. इतनी सुबह सुबह इतना खा रहे हो बगासन की तरह. सुबह सुबह इतना खाना भी खाता है क्या? वैसे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आज हम लोग जाने वाले कार्ला केव्स. और तुम क्या खा रहे हो? ये पुरन बोई. How's the taste? Super. तुम भी गालो चक्कर वक्कर नहीं आएगा. मुझे वैसे भी चक्कर नहीं आता. बाहर जो इतने हाँ तो क्या हुआ? Hello and welcome you all on Comblog. आज हम जा रहे हैं कार्ला केव्स, जो कि 10 किलोमीटर लोनावला से है. Yes. हमें निकलना था सुबह, बट लेट हो गया. They're looking dashing. थोड़ी सी क्या तारीफ कर दी बस. Now let the journey begin. आज हमने फिर से ब्लू ब्लू मैचिंग करा. Yes. हाँ, हम लोग जा रहे हैं देवा. इस केव्स का खासियत ये है कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा चैत्य गृह अगर कहा है तो वो कार्ला के केव्स में है, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं. एंड जैसे मैं तुमको हमेशा बताता हूँ कि हर बुद्धिस्ट केव्स के यहाँ तुमको एक मंदिर मिल ही जाएगा. तो जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी एक मंदिर है, एकवीरा आई उसे कहते हैं. बट ये जो एकवीरा आई का मंदिर है, इसका उल्लेख तुमको बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में भी मिलेगा. Okay. क्योंकि बुद्धा को एक वीर कहा जाता था, उन्हें वीर माना जाता था, कहा जाता था. अगेन हॉल्ट उसी जगह, उसी प्लेस पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था गोवा का ट्रिप, अभी याद है? यस देवा, याद है. रात को 11 बजे हम लोग निकले थे. से हमने रेडबुल एंड स्टिंग पिया था. एंड यहाँ से हमारी गोवा की जर्नी स्टार्ट हुई थी. सेम अभी हम लोग कार्ला केव्स की जर्नी भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. कार्ला केव्स, जैसे कि मैंने कहा आपको कि लोनावला के नज़दीक है, 10 किलोमीटर दूरी पर है लोनावला से. तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है. मुझे रास्ते सब याद है, सिर्फ तुम्हें प्लीज. हमारा स्टॉप था. हाँ, बाय द वे भूलो मत, हम लोग गोवा नहीं जा रहे. नहीं तो फ्लो फ्लो में चलोगे. जा सकते हैं. दिस इज खंडाला घाट. इतना अच्छा है एंड खाने के लिए इतने सारे चीज़ें हैं, स्पेशली मेरा फेवरेट गोला. लेकिन हम लोग रुक नहीं सकते. फाइनली हम लोग आ
हाँ रे बेटा कम आजा कम वो तुमको पता है देवी के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे कोमड़ा कटिंग करेंगे उसके नाम का देवा कम थक गई यू हैव टू बेनिफिट्स एक भी राई प्रसन्न भी हो जाएगी क्योंकि तुम सीढ़िया चढ़ कर जा रही हो एंड सेकेंड बेनिफिट इज 2020 ईयर अगो एंशियंट बुद्धिस्ट केव्स भी देख लेगी अच्छा मेरे साथ आ रही हो करके नहीं होगी बट बात लॉजिकल है कम कम तो आ गए हम लोग फाइनली ये है एंट्रेंस एंड यहाँ पे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया क्लोजअप में दिखा देता हूँ ये तुम पढ़ लो वेल दोस्तों 25 रुपीस पर पर्सन एंट्री है जो ASI द्वारा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो कार्ला केव्स जिसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है ये इतिहास है तकरीबन 2000 साल पुराना और यहाँ पर एक मंदिर है एक वीराई का जा सकते हैं ना भैया कहाँ पे इंडिया में ग्रैंड चैत्य जो है सबसे बड़ा चैत्य बुद्धिस्ट के उसे जो सातवां है डायनेस्टी में डेवलप हुआ था देखो जो वाइट कपड़े में थे ना वो बुद्धिस्ट केव्स देखने के लिए जा रहे बोलो कैसे पहचाना क्योंकि वाइट कपड़े में थे ना दैट्स सबके गले में आईडी नज़र आ रहा है बेबा तुमने नोटिस किया शायद वो लेनी सवर्जन का स्टडी करने वाले लोग हैं बिकॉज कैसे गले में आईडी भी था उनके
एक्चुअली पता नहीं ना रे बेबा, उसने कहा कि वो ज़्यादा डैमेज हुआ है घर के, इसलिए लग नहीं रहा था। थोड़ा भी क्या कर सकते हैं, अगर सच में हुआ तो ऐसा होगा कि हम लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो श्योरिटी नहीं है तो इसे डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते ना, भेज नहीं सकते। दे ऑल आर गोइंग फॉर कार्ला केस। इनका शायद पिकनिक आया है ना। हाँ पता नहीं अभी कितनी देर देखेंगे, बट बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है ये स्पेशली केव्स देखे हैं, एंड कुछ लोग शायद स्टडी करने के लिए भी। और यहाँ का जो इकोनॉमी है ना बेबा, मतलब यहाँ के जो आसपास के मतलब गांव में रहने वाले, तो उनका इकोनॉमी मोस्टली मतलब इससे ही चलता है। तुम भी केयरफुल। How's the taste? Good. Traditional food. जा हम जाते हैं काकड़ी ही खाते हैं, है ना? अच्छा होता है, ठंडा होता है, खाना चाहिए। मुझे पता है मैंने तुम्हारा फेवरेट भी लिया। क्या? I know you like it. ये कच्ची है, कच्ची। ये कच्ची कहरी अंबौड़ी नहीं है, ये कहरी बड़ी है। हाँ, मुझे तो पता। तलाव गोवा जाने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे रुके थे रात में, वो भी अप्रॉक्स कितना बज रहा था रे, 2 बज रहे थे ना। हाँ 2:30 हो रहा था, तो भी एक कोई भी नहीं था, कोई भी जस्ट 2 कपल्स थे एंड हम दोनों थे। अंजना अंजनी मूवी देखी है? मुझे अंजना अंजनी मूवी की याद आती है, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा। रात के 2:30 बजे थे एंड रात के 2:30 बजे मैं रणबीर कपूर था और ये प्रियंका चोपड़ा थी। अब जिसने भी अंजना अंजनी मूवी देखा होगा उसको वो समझ जाएगा। चल आप। पल्सर 220। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवा से जब हम लोग आए थे तो हमें बार बार ब्रेक लेना पड़ता था, बिकॉज एक्टिवा का इंजन थोड़ा एज कम्पेयर टू पल्सर थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन 220 है। हाँ तो इसको बहुत साथ दिया। हाँ ये तो सच है, एक्टिवा ने साथ दिया। अभी फिलहाल ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है ना हमें, मतलब कंटिन्यू हम लोग जर्नी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय धंधा।